इकाई चार, देश के नाम संदेश, पत्र। पत्र का श्रवण कीजिए। मात्र छाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने देश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। यानी कि इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपए भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते, वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलट कर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते, बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराए देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहां भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त पिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं
कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण।